बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर 3 है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंजाइम्स। सबसे पहले एंजाइम्स की डेफिनेशन के एंजाइम्स होते क्या हैं। एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन। एंजाइम्स को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। जैसे आप लेबॉरेटरी में काम करते हैं या जो केमिकल लैब्स होती हैं उसमें कुछ कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए, जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। उससे उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी ब्रेक डाउन करके कुछ बाय प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ होता है। लेकिन हमारी बॉडी में भी, ह्यूमन बीइंग में भी, लिविंग सिस्टम में भी कुछ केमिकल जो है बायोलॉजिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं और उसके लिए एंजाइम्स बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं बाय प्रोडक्ट्स बनने के लिए। तो एंजाइम्स जो हैं वो कैटलिस्ट होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं लिविंग बॉडी में बाय द लिविंग सिस्टम, और वो हेल्प करते हैं इन कैटलाइजिंग द सम रिएक्शंस। अब जो एंजाइम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट जो आम उसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है केमिकल कुछ रिएक्शंस होते हैं, तो कैटलिस्ट जो है वो केमिकल होता है जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है और यूज होता है टू बूस्ट अप द केमिकल रिएक्शन, बट इट इज़ नॉट यूटिलाइज इट सेल्फ इन द केमिकल रिएक्शन। वो ख़ुद तो एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, लेकिन सिर्फ एंजाइम रिएक्शन को फास्ट कर देता है, बूस्ट कर देता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं, ऑल द केमिकल जो कि कंटेन करते हैं कार्बन एटम आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक वो होती हैं जिसमें कार्बन नहीं होता और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहलाती हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है? ये मॉलिक्यूल होता है जिस पर जो है एंजाइम जो एक्ट करता है। सबस्ट्रेट के बगैर जो है एंजाइम अब एक्ट नहीं कर सकते। एंजाइम के एक्शन के लिए सबस्ट्रेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सबस्ट्रेट अवेलेबल होगा वो बाइंड होता है एंजाइम साइट, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उससे बाइंड होने के बाद जो है कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना फिर रिलीज होते हैं आफ्टर ब्रेकेज, उनकी ब्रेक डाउन होती है। उस ब्रेक डाउन के में जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यूज़ होते वो रिलीज़ होते हैं वो फिर अगेन जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में इस्तेमाल हो रहे होते हैं मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए। ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया है। आपको नज़र आ रहा जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया, ये एक एंजाइम है। आपकी बॉडी में एक एंजाइम प्रेजेंट है, जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर एक एंजाइम प्रेजेंट है उसके लिए रेडिली सबस्ट्रेट भी अवेलेबल है जिस पे जो कि सबस्ट्रेट के बगैर जो है एंजाइम एक्ट नहीं कर सकता। तो एंजाइम की जो एक्टिव साइड में लिखी हुई है वहाँ पर सबस्ट्रेट जो है क्या हो जाएगा, अटैच हो सकता है वहाँ पर। उसको एंजाइम और सबस्ट्रेट को काम करने के लिए ज़रूरी है कि वो उसकी जो एक्टिव साइट है उससे बाइंड हो जाए। तो सबसे पहले होता ये है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है ना वो दोनों अवेलेबल होंगे, पहला जो इसके लिए कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो होना ज़रूरी है जहाँ पर सबस्ट्रेट जो है क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है। तो सबस्ट्रेट बाइंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, जो एंजाइम की एक्टिव साइट वहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है। उसके बाद जब वो बाइंड हो जाता है सबस्ट्रेट इज़ कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। उसके बाद जो है सबस्ट्रेट जो है ना वो किस में कन्वर्ट होगा, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एंजाइम क्या कर रहा है? एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, उसे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो सबस्ट्रेट है अवेलेबल है उसने जो है ना कुछ प्रोडक्ट रिलीज होने हैं उस सबस्ट्रेट से, तो एंजाइम जो है उस सबस्ट्रेट से जो मुख्तलिफ बाय प्रोडक्ट्स हैं रिलीज़ होने के लिए यहाँ पे उसको केमिकल रिएक्शन को बूस्ट करने के लिए हेल्पफुल हो रहा है। उसके बाद जो है जो फोर्थ स्टेप पर प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट जो रिलीज़ होगा, जैसे जो सबस्ट्रेट यहाँ पे अवेलेबल था वो क्या था, सक्रोज था। जो सबस्ट्रेट अवेलेबल था वो क्या था, सक्रोज था। लेकिन बाद में उसने जो बाय प्रोडक्ट रिलीज़ किए वो कौन से रिलीज़ किए, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। तो इस तरह से हमें सक्रोज से वो एक मतलब कि दो शुगर मॉलिक्यूल थे और हमें सिंगल शुगर मॉलिक्यूल जो है ना दो इससे हासिल हो गए। तो यहाँ पे एंजाइम ने क्या किया, उस केमिकल रिएक्शन को बूस्ट किया और उससे जो है जो हमारा सबस्ट्रेट अवेलेबल था उस सबस्ट्रेट से हमें
कुछ और बाय प्रोडक्ट्स दे दिए। तो ये एक छोटी सी मिसाल वो थी, डायग्राम फॉर्म में चार्ट था, और इसको आप देख भी लीजिएगा, ये हेल्पफुल भी होगा आपके लिए कि हाउ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स वर्क ना। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम्स एंड द कैटलिस्ट। अब एंजाइम जो है ना वो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में मौजूद है, कैटलिस्ट आपका ज़रूरी नहीं है कि वो बायोलॉजिकल वो कहलाए। कैटलिस्ट जो है ना वो काम कर सकता है बायोलॉजिकल सिस्टम के तरह, लेकिन जो है वो एक्चुअल बायोलॉजिकल एंजाइम नहीं होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस है, ऑल एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑल द कैटलिस्ट आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। आपकी जो सेल है ना वो कार्बन की वजह से, मतलब कि कार्बन जो है ना वो बड़ा अहम रोल है उसका, ज़िंदगी मुमकिन है कार्बन की वजह से। तो इस तरह से जो तमाम एंजाइम्स हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक, ऑल द एंजाइम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, लेकिन कैटलिस्ट ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक हो, वो इनऑर्गेनिक ही होते हैं। सेकंड जो डिफरेंस है एंजाइम और कैटलिस्ट का, एंजाइम मोस्टली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन, कैटलिस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम जो हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ कंडीशन हैं, आप देखेंगे कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से एंजाइम जो है, अगर कुछ फेवरेबल कंडीशंस ना हो बायोलॉजिकल सिस्टम में तो एंजाइम क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं, उनकी कुछ खसूसियात हैं, अगर वो कंडीशंस उन्हें ना मिले, सूटेबल इन्वायरमेंट ना मिले, तो एंजाइम की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो एंजाइम जो हैं वो मोस्टली डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट नहीं होते। एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, मुख्तलिफ एंजाइम स्पेसिफिक जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और कैटलिस्ट जो है ना आर वेरी सिंपल कंपाउंड्स और द सब्सटेंसेस। स्पीड ऑफ एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, और स्पीड ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द कैटलिस्ट। एंजाइम किसी भी एंजाइम स्पीड जो है एंजाइम रिएक्शन के, वो डिपेंड नहीं करते कि कितना एंजाइम मौजूद है, लेकिन कैटलिस्ट की मौजूदगी और उसकी क्वांटिटी जो है ना वो बड़ा मतलब कि डिपेंड करती है उसकी, कैटलिस्ट की क्वांटिटी पर, किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए या केमिकल रिएक्शन के लिए। कैटलिस्ट तो केमिकल रिएक्शन में यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे कैटलिस्ट की जो क्वांटिटी है इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस इन द बायोलॉजिकल रिएक्शन। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को कैटलाइज कर सकता है, जैसे सक्रेज एंजाइम जो है ना इन इट्स स्मॉल अमाउंट ईजिली कैटलाइज द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ द सक्रोज। ये बहुत ईजिली जो है ना स्मॉल अमाउंट जो है सक्रेज का वो रिलीज़ कर सकता है, सक्रोज और फ्रक्टोज को कैटलाइज कर सकता है। सोलबिलिटी, इंजाइम्स मोस्टली सोलबल होते हैं वाटर में एंड डाइल्यूट अल्कोहल सोल्यूशन में, और ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इन द फॉलोइंग सॉल्वेंट, कंसंट्रेटेड अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड में ये वो मतलब सोलबल होते हैं। यहाँ इसमें इन सोल्यूशन में ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जब प्रेसिपिटेट की बात होती है वो उसमें कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं होते, मतलब ये इजीली वाटर में अल्कोहल में सोल्यूबल हैं लेकिन उसमें वो हल पजीर नहीं होते, ना हल पजीर रहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है कि ये जो फॉलोइंग सोल्यूशन है इनमें ना हल पजीर है। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेस एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्रीजेस अप टू द सर्टेन मैक्सिमम, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट इट डिक्रीजेस। जो वेलोसिटी है किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो सब्सट्रेट की जो कंसंट्रेशन है उससे इंक्रीज हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा अप टू द सर्टेन लिमिट है। ये नहीं है कि जितना ज़्यादा चाहे सब्सट्रेट मौजूद होगा उतना ही ज़्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे होंगे, ये ऐसा नहीं है, लेकिन सर्टेन पीरियड के बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। पीएच जो है, पीएच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें पीएच का बड़ा अहम रोल है, और अगर आप देखेंगे पीएच जो है एंजाइम के लिए भी बेहद ज़रूरी है। कुछ एंजाइम जो है ना वो आपके एसिडिक पीएच पे स्टेबल होते हैं और कुछ बेसिक पीएच पे। अगर एक ऐसा एंजाइम है जो कि उसका फेवरेबल जो पीएच है वो एसिडिक है तो वो अल्कलाइन पीएच में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन में हेल्पफुल नहीं होगा।
एसिड डीएक्टिवेट दोज एंजाइम दैट आर एट अल्कलाइन पीएच, जैसे ट्रिप्सिन जो है ना वो क्या क्या करता है, एक्ट करता है एट द अल्कलाइन पीएच ऑफ अबाउट 8.57 और एसिडिक पीएच पे वो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट बाय द पेंक्रियाज, और ये इम्पॉर्टेंट है तो होता है किसमें, डाइजेशन में। जो ट्रिप्सिन जो है वो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बड़ा अहम रोल अदा करता है और डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, तो अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपकी जो डाइजेशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह जो बेस है डीएक्टिवेट्स द एंजाइम दैट एक्ट एज द एसिडिक पीएच। पेप्सिन जो है वो एक्ट करता है कहाँ पर, एसिडिक पीएच में, और ये कहाँ पाया जाता है, आपके स्टमक में पाया जाता है। तो इसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है ना वो एसिडिक पीएच है, अगर वो पीएच नहीं होगी तो ये वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हर सिस्टम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स भी कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर हम कह सकते हैं वो 96 to 99 डिग्री फॉरनहाइट है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एंजाइम एक्टिविटी इज रिगार्डेड एज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 से लेके 40 डिग्री तक। तो यहाँ पर एक चार्ट है, इसमें गिवन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, 10 टू 20 पर वेरी लिटल एक्टिव होते हैं, 35 टू 40 पर मैक्सिमम एक्टिव होते हैं, और अगर 50 डिग्री बहुत हायर साइड पे भी जाए टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उस पर भी ये एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव होते हैं, और अगर उससे भी ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तो वहाँ पर ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। इसके यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है एंजाइम्स का वो कंप्लीट होता है।